अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ एस एन महमूद एंड वेलकम टू जायंस। लास्ट वीडियो में हमने अपनी न्यूज़पेपर ऐप की एंड टू एंड टेस्टिंग को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया था। उसमें कुछ टेस्ट केसेस रिमेनिंग है, लेकिन वो आप खुद वहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं, और अगर कोई मसला है तो वो आप यहाँ पे चैनल पे मुझसे पूछ सकते हैं और मैं उसको एक्सप्लेन कर दूँ। इस वीडियो में हम एक न्यू टेस्टिंग टाइप से स्टार्ट करेंगे, जो कि है कंपोनेंट टेस्ट। साइप्रस के लेटेस्ट वर्जन में कंपोनेंट टेस्टिंग इंट्रोड्यूस हुई है। ये एक नया फीचर है जिसके थ्रू आप एक इंडिविजुअल कंपोनेंट को टेस्ट कर सकते हैं डायरेक्टली डॉम में माउंट करके, और सिर्फ कंपोनेंट बेस्ड टेस्टिंग परफॉर्म कर सकते हैं। इस वीडियो में हम उसको सेटअप करेंगे और उसके बाद हेडर कंपोनेंट के टेस्ट को राइट करेंगे। चलते हैं वीडियो की तरफ। स्टार्ट करने के लिए मैं यहाँ पे ब्राउजर में आ जाऊंगा और साथ ही कोड को ओपन कर लूंगा, और यहाँ पर मैं साथ ही इसे भी स्टार्ट कर लूंगा साइप्रस को। और कंपोनेंट टेस्टिंग क्या है, किस तरह काम करती है, ऑब्वियसली बेसिकली इसमें कोर्स में तो मैं आपको बता ही रहा हूँगा, लेकिन अगर आपने और ज्यादा सीखनी है तो आप यहाँ पे साइप्रस की ऑफिशियल वेबसाइट में जाके उसको स्टडी कर सकते हैं। ओके, ये किस तरह काम करती है और किस, यहाँ पे ये ओपन हो गया। अभी तक हम यहाँ पे जाते थे एंड टू एंड टेस्टिंग, अब हम इसमें जाएंगे कंपोनेंट टेस्टिंग। ये कॉन्फ़िगर नहीं है, नेक्स्ट स्टेप उसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया, नेक्स्ट और उसके बाद नेक्स्ट। यहाँ पे इसने हमारे लिए कंपोनेंट टेस्टिंग को कॉन्फ़िगर कर दिया है। आप देख सकते हैं इस फाइल को इसने चेंज किया है, ये एंट्री ऐड की है, और यहाँ पर स्पोर्ट में ये दो फाइलें ऐड की हैं। क्लोज करते हैं, स्टार्ट इलेक्ट्रॉन में करते हैं, और यहाँ पर बेसिकली हम वी विल जनरेट अ टेम्पलेट स्पेक्स फाइल विच कैन बी यूज टू स्टार्ट टेस्टिंग योर एप्लीकेशन। ओके, इसको देखते हैं ये क्या चीज़ है। हेडर, ओके, ये हमारे पास यहाँ पे कंपोनेंट हो गया है, यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास साइप्रस में माउंट की कमांड है जिसमें हमने कंपोनेंट देना है हेडर। लेट्स से कि इस कंपोनेंट को हम टेस्ट करते हैं, और इसको ये सेल्फ क्लोजिंग कंपोनेंट है, दैट्स इट। और यहाँ पे इसको कर देते हैं हेडर कंपोनेंट टेस्टिंग, टेस्ट दैट header component shows logo and logo login and register button। सेव करते हैं, यहाँ पे आते हैं, और ये बेसिकली यहाँ पे एरर आ गया कि decoil component, क्योंकि जब आप इस कंपोनेंट को ओपन करेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें हम यहाँ पर ये रिकॉल स्टेट यूज़ कर रहे हैं, इसी तरह नेविगेशन लिंक, इस तरह की चीज़ें यूज़ कर रहे हैं जो कि जो हमने स्टार्टिंग में ये प्रोवाइडर्स सेटअप किए थे उन पे डिपेंड करती है। इसका आप सोल्यूशन क्या है और कैसे करेंगे, ये अब हम नेक्स्ट देखेंगे। बेसिकली इसका सोल्यूशन बहुत ही सिंपल सा है। हम यहाँ पे एचओसी में आएंगे और एक एचओसी क्रिएट करेंगे, टेस्टिंग रैपर एचओसी इंडेक्स डॉट टीएसएक्स, और यहाँ पर कॉन्स्ट टेस्टिंग रैपर, कुछ भी नाम दे सकते हैं, एचओसी रिएक्ट डॉट फंक्शनल कंपोनेंट, और इंटरफेस आई दिस प्रॉप्स। यहाँ पे प्रॉप्स में अभी सिर्फ हमें चिल्ड्रन चाहिए, रिएक्ट डॉट रिएक्ट नॉट, और यहाँ पे हम कहेंगे कि आई टेस्टिंग प्रॉप्स, यहाँ पे चिल्ड्रन रिसीव करेंगे, और यहाँ पर अब हमें जो जो चीज़ें चाहिए मैं यहाँ से पूरा ही कॉपी कर लूँगा क्योंकि ये ऑलमोस्ट सारे चाहिए, जो चीज़ें नहीं चाहिए उनको
रिमूव कर देंगे। टेस्टिंग कंटेनर को रहने देंगे क्योंकि किसी जगह पे यूज़ किया हुआ है। ये चीज़ इसकी जगह हम मेमोरी राउटर यूज़ कर लेंगे, वो ज़रा आसान रहेगा हमारे लिए। ये हमें नहीं चाहिए। यहाँ पे मेमोरी राउटर आ गया, इसमें यहाँ पे हम चाइल्ड सॉरी जो चिल्ड्रन है उसको पास कर देंगे और सिर्फ ये क्यूरी क्लाइंट चाहिए हमें, उसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे। और लास्टली हमें यहाँ पे क्यूरी क्लाइंट चाहिए, वो हम यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। यहाँ से इसे इंपोर्ट भी कर लेंगे। और इसके अलावा और अगर कोई हमें जो है HOC चाहिए होगा प्रोवाइडर, वो भी ऐड कर सकते हैं। थीम को यहाँ पे क्लोज करने से पहले हमें थीम की जो और इस दोनों की जो स्टाइल है ना, ये इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा क्योंकि हम इन दोनों को यहाँ पे रहने दे रहे हैं, तो दोनों का स्टाइल इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ये हो गया, अब वापस आते हैं और इसको रीलोड करते हैं। ये अपने आप ही ओके, ओ सॉरी मैंने इसको यहाँ पर रैप नहीं किया उसके साथ, और मैंने उसे एक्सपोर्ट किया, एक्सपोर्ट भी नहीं किया। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट दिस, यहाँ पे आ जाएं, इम्पोर्ट और ये आपके सामने लोड हो गया। अब जो भी आपको कंपोनेंट टेस्ट करना हो, लेट्स से कि अगर आपको कोई भी यहाँ से देख लेते हैं, डेट पिकर ही देख लेते हैं, या डेट पिकर इनपुट ये करना था सेलेक्ट। ऑब्वियसली इसको वो चाहिए, सारे इनपुट्स चाहिए, तो जो जो इसको इनपुट्स चाहिए वो आपको इसे प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। ओके, सिर्फ यही चाहिए थी। और जब आप वो इनपुट्स ओके इसको और जो सेट फील्ड वगैरह है, अब इसको ये अच्छी एक एग्जांपल है क्योंकि इसको जो क्योंकि इसको एक फॉर्मिक सॉरी क्योंकि इसे फॉर्मिक का HOC भी चाहिए। इस ये फॉर्मिक में रैप होगा तो फिर इसका काम चलेगा, तो उसके लिए हम एक फॉर्मिक का वो बना लेते हैं, HOC रैपर इसमें बना लेते हैं, फॉर्मिक HOC टेस्टिंग इंडेक्स डॉट TSX const this react dot functional component interface I this props children react dot react node ये हो गया। यहाँ पर चिल्ड्रन आ गया, यहाँ पे रिटर्न, और यहाँ पे अब हमने करना है फॉर्मिक, उसमें फॉर्म ये अगर करना चाहें तो कर लें, और इसमें बेसिकली चिल्ड्रन, इसको सिर्फ इनिशियल वैल्यूज ETC असाइन कर दें क्योंकि ये इसकी रिक्वायर है। ऑन सबमिट असाइन कर दें, दैट्स इट। और यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ये इसको कॉपी करें, यहाँ पे आ जाएं इसमें, और इसको यहाँ पे रैप करते हैं इसके साथ। इसी के साथ होपफुली ये यहाँ पे आपका असाइन हो गया है। वंस अगेन क्योंकि इसको डेट पिकर को वो चाहिए इसकी स्टाइल्स, तो वो स्टाइल्स हम इस फॉर्मिक में असाइन कर देंगे ताकि अगर इसको हम यूज़ करें तो वो वहाँ पर यूज़ हो जाए। ये स्टाइल्स हैं, इनको यहाँ पे यूज़ कर लेंगे सेव, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये काम कर रहा है। और क्योंकि हमने सेट स्टेट ETC वगैरह नहीं किया तो इस वजह से वो काम नहीं कर रहा, लेकिन बाकी जो माउंट्स वाला काम है वो कर रहा है। और यहाँ पे रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ कि अब जो कंसोल वगैरह वो ठीक है, और ये भी यहाँ पे काम कर रहा है।
ये कंपोनेंट टेस्टिंग का स्टार्ट था, अब हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे और हेडर कंपोनेंट में जो उसकी असर्शन है उसकी सिर्फ ऐड करेंगे असर्शंस को और वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। मैं यहाँ पे आऊँगा कोड में, इससे क्लोज करूँगा इन सब को। एक चीज़ जो मैं करना चाह रहा हूँ यहाँ पे वो ये है कि इसको यहीं पे रहने दें, कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे वापस आते हैं इस टेस्ट में और इसमें से इसकी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे मुझे हेडर की ज़रूरत है बस। और इसे रिमूव कर दें, इसे रिमूव कर दें, सेव करें। यहाँ पे हेडर लोड हो गया और अब सिर्फ और सिर्फ इसकी असर्शंस यहाँ पे करनी है। सी वाई डॉट गेट, यहाँ पर गेट सी वाई एलिमेंट सेलेक्टर, एलिमेंट सेलेक्टर डॉट हेडर डॉट लोगो पे लगा लेते हैं, डॉट शुड, और यहाँ पे बी विजिबल, यहाँ पे आई थिंक शुड बी आ इमेज भी होना चाहिए, बी आ इमेज वट्स एवर इमेज में। खैर नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, इसी को कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे हमें नेक्स्ट चाहिए नैव लिंक्स डॉट लॉग इन, ये विजिबल होना चाहिए। उसके बाद रजिस्टर, ये लॉग इन होना चाहिए। और यहाँ पर सर्च नॉट डॉट एग्जिस्ट सेव करते हैं और इसी के साथ ये सेशन सारी पास हो जानी चाहिए। इमेज के लोड होने का वेट कर रहा था, दैट्स इट, इस वजह से। और यहाँ पे हम कर लेते हैं सी वाई डॉट वेट, वेट अगर करते हैं ओके वट एवर, वो ऑटोमेटिकली वेट कर रहा था, उसके लिए तो हमें इसको और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करने की ज़रूरत नहीं है। वो सिंपल आइटम का वेट कर रहा है और दैट्स इट, उसके लोड होने के बाद ये करता है। तो इसी तरह आप जिस भी कंपोनेंट का चाहे टेस्ट लिख सकते हैं, ऑब्वियसली आप कंपोनेंट को स्टेट पास कर सकते हैं, सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं और इसका और ज़्यादा डीप डाइव यहाँ पे आपको मिल सकता है। कोई चीज़ अगर आपको ना समझ लगे तो वो आप चैनल पे मुझसे पूछ सकते हैं और मैं उसे एक्सप्लेन कर दूंगा। ये थी आज की वीडियो, होपफुली आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो के रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, मैं उसका जवाब दूंगा। वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल।